हेलो फ्रेंड्स, AIS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी आप इग्नू से कोई भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों का जो इग्नू का मार्कशीट, ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपके एड्रेस पर आ जाती है। लेकिन आप जो मेन डिग्री है वो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा चैनल AIS एजुकेशन पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप जैसे इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कंप्लीशन आपका होता है तो एक आपके एड्रेस पे आपका मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आपकी होती है आपके एड्रेस पे आ जाती है बिना किसी पेमेंट के। लेकिन जो आपकी इग्नू की मेन डिग्री होती है उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, जिसे इग्नू में कन्वोकेशन के नाम से जाना जाता है। और कन्वोकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओपन होता है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पे। तो जब भी ओपन होता है तो हम इसकी वीडियो भी रिलीज़ करेंगे, लेकिन इसकी एक एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जनरली आपका कब किस हिसाब से ये होता है। तो जो भी विद्यार्थी, एग्जाम्पलों की बात करूँ तो जो भी विद्यार्थी जैसे इग्नू में दिसंबर 2019 सेशन में भी पास आउट हुए थे और जून 2020 सेशन में पास आउट होंगे, क्योंकि जून के अभी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, सेप्टेम्बर में फाइनल ईयर के कंडक्ट होने, उसके बाद जो भी पास आउट होंगे उनके जो डिग्री अवार्ड हैं वो रीजनल सेंटर्स के द्वारा एक कन्वोकेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, उसमें अवार्ड किए जाते हैं। तो उसकी फ़ीस होती है 600 रुपीज़, अभी एज ऑन डेट 600 रुपीज़ लास्ट सेशन तक थी। लास्ट कन्वोकेशन जो कंडक्ट हुआ था वो फरवरी 2020 में कंडक्ट किया गया था, और उसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स थे वो थे दिसंबर 2018 और जून 2019 सेशन के विद्यार्थी उसके लिए एलिजिबल थे, जो दिसंबर 2018 और जून 2019 में पास आउट किए थे वो लोग इस कन्वोकेशन प्रोग्राम में एलिजिबल थे पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोग देख भी सकते हैं, इसमें कंडीशन भी लिखी हुई है, टर्म एंड एग्जाम में जो फाइनल ईयर पास आउट किए थे सिर्फ उन्हीं को अवार्ड किया जाता है। तो ये था इसमें डिटेल्स। तो इसकी फ़ीस होती है 600 रुपीज़ एक अगर डिग्री आपने की है, जितने आपने प्रोग्राम किए हैं उतने प्रोग्राम कंप्लीट किए हैं उतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BA यानी ग्रेजुएशन और कोई और भी, अगर इसमें कुछ एग्जेम्पशंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी बच्चे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो कि जनरली 6 मंथ्स ड्यूरेशन के इग्नू में हैं, और साथ में एक DPE प्रोग्राम है, इनमें जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको कोई भी कन्वोकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी डिग्री ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कंडक्ट होने के बाद, कन्वोकेशन कंडक्ट होने के बाद उनके पोस्टल एड्रेस पे इग्नू के द्वारा डिस्पैच कर दी जाती है। लेकिन जो भी बच्चे डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा और बचे हुए प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं एक्सेप्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और DPE, उनको इसके लिए अप्लाई करना है और 600 रुपीज़ इग्नू को कन्वोकेशन फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद डिग्री इग्नू आपके दिए गए पोस्टल एड्रेस पर भेजती है। तो ये डिटेल्स थी हमारी इग्नू की, आप इग्नू की डिग्री किस प्रकार प्राप्त करें। और मैं आपको बता दूँ कि प्रोग्राम में आप जब फॉर्म भरते हैं तो आप अटेंड करेंगे या नहीं, एक ऑप्शन होता है, यस और नो आपको क्लिक करना होता है। अगर आप किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपकी डिग्री डिस्पैच कर दी जाती है, बाकी जो वहाँ जाके प्रेजेंट होते हैं उनको वहीं पे दे दी जाती है डिग्री। तो डिटेल्स थी हमारी इग्नू की, आप किस प्रकार इग्नू की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्दर डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल AIS एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोगों तक पहुँच सके।